झांसी के थाना मौरानीपुर के मोहल्ले गांधीगंज में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने 26 जनवरी को आत्मदाह करने की धमकी देते हुए प्रशासन को पत्र दिया, जिसे लेकर प्रशासन में हड़कंप मच गया। हल्के रामपुत्र कलुआ ढीमर निवासी मोहल्ला गांधीगंज में पत्र में बताया, पड़ोसी आरोपी जेम राय ने एक वर्ष पूर्व पुलिस के सहयोग से हमारी जमीन पर कब्जा करते हुए बाउंड्री बनवा दी थी, जिसे लेकर न्यायालय ने थाना अध्यक्ष सहित आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही। वहीं दूसरे पक्ष से वीरेंद्र राय ने बताया, एक वर्ष पूर्व उक्त पक्ष की जमीन राजस्व द्वारा नाप जोख के बाद बाउंड्री बनवाई गई थी, लेकिन उक्त पक्ष ने बाउंड्री तोड़ते हुए गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी, जिसे लेकर कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये आपके जो पति ने आत्मदाह की बात रखी है, इस बात को लेके भाई विवाद चल रहा है जी? जमीन का चल रहा भाई साहब, जमीन का चल रहा है। इन्हें जबरदस्ती जास्ते से इन्हें जमीन बनवाई, और दो कर्म पुलिस वाले भी है, उन्हें खड़े होकर बनवाई, और वे भी कहते नहीं है तुम्हारी जमीन, तुमको मारो जाएगी, तुम मर जाओगी। कब का विवाद चल रहा है जी आपका? ये 2 साल है। दो साल हो गए। हाँ, तो ये जमीन जब बनी थी तब ऐसा कोई विवाद अधिकारी कोई आए? नहीं, जब नहीं है कोई नहीं आया। पुलिस आई के लिए, पुलिस लेके आओ दी। पुलिस आती है हमारे खातर, बस लिख जाती है, हमें फंसा जाती, वो कहती है वो तो सही हैंगे। आप लोग क्या चाहती हैं? हम जो चाहते हैं हमारी जमीन में लगी नहीं, तो हम अपने बच्चन को ले मरेंगे। कोई प्रशासन आया अभी आपसे मिलने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया, हमारे पास कोई आता ही नहीं है भाई। हम तो इस जगह हल्केराम। हल्केराम किस मोहल्ले से हैं आप? गांधीगंज जी। आपका जमीन में जो आपका ये मैटर है जी, आपका हाँ, जमीन का हाँ, वो जो आपने पेपर में भी आपने निकलवाया हाँ, है कि आप आत्मदाह करेंगे हाँ, किस बात का मैटर चल रहा है जी? जमीन का मैटर चल रहा है, सब जबरदस्ती हमारी जमीन ले ली, और मारे भी धमकी दे रहे हो, गोली चलाई, 20-25 फेर करे हम लोगों ने, वो दरवाजे बंद कर दे हमारे द्वारा हुआ है फिर जी। बीरेंद्र राय ने करवाए, बब्बू खड़े हो बीरेंद्र राय, इन लोगों ने कहा गई तो बब्बू खरे का इसकी कहा इनकी जमीन? बब्बू खरे ने वो मकान के हमारे दरवाजे बंद कर दे, उनने बाउंड्री अलग हम बना ली पीछे। तो जमीन है? की है वो? जमीन हल्केराम की है। हल्केराम हाँ, हम कागज दे रहे, सब दे रहे, हमारे पास हर चीज है, इनके पास, इनसे पूछो कहाँ है, जिन निर्माण विभाग लगा है सब अगल बगल हमारे, जे हम बगल में है ही नहीं है हमारे, हाँ जबरदस्ती छीने रहे। आपने जो किया है हाँ? कि हम आत्मदाह करेंगे हाँ? तो ये कब का क्या है आपका? जे साहब, एक साल हो गए CGM के यहाँ से आदेश मिला था रिपोर्ट का, अभी तक इन लोगों के नाम रिपोर्ट नहीं हो रही है, एक साल हो गए, क्या करें हम बताओ? पैसा लगा लगा पैसा, हम दिन भर ठिलिया चला रहे, हाँ ठिलिया पल्लेदारी कर रहे, मजूरी बच्चा पाल रहे, अपने केस में लगाए गए हम, इन्हें बच्चा ना पाले, बताओ आप। कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं भाई, कोई मकान भी कह रहा है जे भी हमारे हैं, तुमको तो भागना पड़ेगा। जे कह रहे थे कि आप जबरदस्ती चलो कोर्ट, चलो छह भैया चलो लिखवा के भी आए तो। भाई साहब, जो आपके यहाँ विवाद चल रहा है यहाँ पे जमीन का लेकर के, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि हम आत्महत्या कर लेंगे, बब्बू खरे का नाम आपका नाम लिया जा रहा है, किस बात पे लेके विवाद हो रहा है आपका? इन लोगों ने जो हमारे पड़ोस में हल्के वगैरह रहते हैं, इन्होंने ये बताया कि हमारी जगह है आपके अंदर, और इसको लेके इन्होंने SDM साहब को प्रार्थना पत्र दिया था, SDM साहब ने उसकी पैमाइश करवाई, पैमाइश करवाने में इन लोगों ने ये उन्होंने ये जो कानून को और लेखपाल साहब थे, उन लोगों ने पाया कि इन लोगों ने ही ज़्यादा पे कब्जा कर रखा है, तो इनकी जो 66 डिसमिल जमीन थी 2 बीघा, तो उसके बजाय इनकी 3 बीघा जमीन, यानी कि 93 डिसमिल पाई गई, जिस पर कब्जा था इनका, हमने उसको छोड़ दिया। अब इनका कहना है कि अभी ये जो ज़मीन पे हम कब्जा किए ये तो है नजूल की, और जो हमारी जगह है वो आपके अंदर है, तब हम इसको इनको किसी तरह से हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जब अधिकारी लोग नहीं कर पाए तो अब हम कैसे कर सकते? तो अभी जो बाउंड्री टूटी पड़ी हुई है ये कैसे टूट गई? पहले कैसी थी? ये हमारी बनी हुई थी बाउंड्री, हम लोगों के बीच में राजीनामा हो गया था कि ठीक है, हमने ये कह दिया था कि भाई हम उधर आपकी, इन्होंने कहा था कि वो हमारी हमसे अब ये मत मांगो जो हम ज़्यादा लिए, तो हमने छोड़ भी दी, और अपने हम लोगों की सहमति से फिर बाउंड्री भी बन गई। अब बाउंड्री बनने के बाद अभी 1.5 साल से कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी पिछले अगस्त महीने से इन्होंने इसको तोड़ना शुरू किया,
और इनका कहना है कि अभी हमारे तो आपके अंदर और है अभी, और इन्हें ये बराबर थोड़ा थोड़ा करके टूटते रहे। कल इन्हें ज़्यादा हिस्सा बड़ा तोड़ दिया, तो हमने फिर इसकी शिकायत की। हमने शिकायत की तो ये लोग सब लोग इकट्ठी होकर महिलाएं और सब जगह बस वो अपने प्रेशर बनाने के लिए कि हमारे उस पर उनके पर कुछ ना हो, तो ये प्रशासन के ऊपर आत्मदाह और वगैरह की इस तरह की धमकियां देखते हैं। और अब मतलब इसी तरह से ऐसे ही हमारे ऊपर भी प्रेशर बना रहा। राजस्व विभाग के अधिकारी क्या कह रहे हैं? राजस्व विभाग के अधिकारियों ने नापतौल की और उस नापतौल में जब उन्हें अधिक पाया तो इसके बाद उन्होंने तो रिपोर्ट लिख के दी है और वो रिपोर्ट DM साहब और SP साहब तक भी पहुंच गई है। तो मतलब इनकी ज़मीन अधिकारियों ने नाप दी है? हाँ, नाप दी है। उनके पास ज़्यादा थी और उस पर हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उनके पास ज़्यादा है अभी भी। इन लोगों का कहना है कि हमारे निकालने के लिए रास्ता नहीं होता है यहाँ पर। हमारी तरफ से उनका कोई रास्ता नहीं है, उनकी उधर पे नहीं है, उनका जिस तरफ रोड है वहाँ पे दूसरे की पड़ती, उधर हमारी नहीं।